सहारनपुर की बेटियां स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रही है। बिना सरकारी मदद के ये पहले 2 साल से अपने प्रयासों से जिले के 11 ब्लॉकों में 1500 से अधिक शौचालयों का निर्माण करा चुकी है और उनका संघर्ष जारी है। ये हमने 2015 फरवरी से स्टार्ट किया था। हम करीब 50 लड़कियों का हमारा ग्रुप था। सब अलग अलग ब्लॉक में गई और ब्लॉक के एक एक गाँव को हम लोगों ने देखा और वहाँ से देखते हुए हमने देखा कि हर गांव में सबसे बड़ी बात है खुले में शौच के लिए कोई भी इस चीज़ को जब हम कहते हैं कि खुले में शौच करने के लिए हमें बंद करवाना है आपकी गांव वालों की मदद से, तो लोग तैयार ही नहीं होते उस चीज़ के लिए। उन लोगों को हम 11 ब्लॉकों में 50 लड़कियों ने मोटिवेट किया। उन गाँव में हम लोगों ने टीम बनाई और उस टीम को इस तरीके से मोटिवेट किया कि हमने बिना किसी सरकारी मदद के इन गाँव वालों से खुद इन्हीं के पैसों से शौचालय बनवाए और उस शौचालय बनवाने के बाद इन लोगों को वो शौचालय आज यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमारा आसान वाली गांव है, आज हम इस गांव में आप हर घर में यहाँ शौचालय है। अब कोई भी यहाँ खुले में बाहर नहीं जाता, कोई सरकारी मदद नहीं ली, कुछ नहीं। यहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा जागरूक हुई हैं इस चीज़ को लेकर। महिलाओं ने खुद अपने पति को कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे। करीब अब तो हम लोगों ने 600 गाँव को खुले में शौचमुक्त कर दिया है। उनका प्रयास है कि वे पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त करा सके। उनकी यह पहल स्वच्छता अभियान को एक नई दिशा दे रही है। हर घर में शौचालय बनवाना प्रदेश और केंद्र सरकार का सपना है जिसके लिए अनेक सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने जब राष्ट्र का आह्वान किया कि स्वच्छता की ओर इस पर ध्यान देना चाहिए, तो हम लोगों के मन में भी ये सपना साकार हुआ कि निर्मल तन निर्मल मानव मन निर्मल हम गाँव बना देंगे। निर्मल रहने की कला क्या जन जन को हम समझा देंगे। इन्हीं तमाम संकल्पों के साथ में हमारा 2 प्रयास था। एक तो ये था कि हम लोग सरकार के स्तर पर जो अनुदान देते हैं, दूसरा प्रयास ये था कि क्या समुदाय को खड़ा करके बिना कोई पैसा दिए भी काम किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक टीम बनाते हैं, उसको हम लोग स्वच्छता प्रेरक कहते हैं, CLTS समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की टीम। और उसमें जनपद के बहुत सारे गाँवों में हमने ये टीम बनाई। इस बेल्ट में भी जो टीम हमारी बनी उसमें CLTS की जो लड़कियां थीं उन्होंने इसका दायित्व संभाला। और मैं यह बात बताते हुए आपके चैनलों को मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि पूरे जनपद में 2500 से ऊपर शौचालय लड़कियों ने प्रेरित करके बनाए, जिसमें हमने कोई पैसा नहीं दिया। जिस गांव में आप खड़े हुए हैं आसनवाली में, यहाँ 167 शौचालय बिना पैसे के बने। जिस परिवार में आप ये बातचीत कर रहे हैं यहाँ भी जो शौचालय बना है 1 रुपये नहीं दिया गया। लोगों को निरंतर मोटिवेट किया गया, सुबह शाम उसका निगरानी की गई। ये जरूर था दिक्कत हुई, 2 महीने 2.5 महीने तो लगा, लेकिन जब रोज़ 4 बजे रात लोग बैठ जाते थे और 4 बजे रात गांव की बड़ी टीम चारों चौराहों पर बैठती थी, लोगों को समझाती थी, मोटिवेट करती थी, कुछ रोकती थी, उसका सकारात्मक असर बना और धीरे धीरे आज 167 शौचालय हमारे यहाँ बन करके तैयार हुए। लेकिन सहारनपुर में स्वच्छता सिपाहियों का एक ऐसा ग्रुप भी है जो बिना किसी सरकारी मदद के गांव में शौचालय बनवाने का काम कर रही है। लड़कियों ने सितंबर 2015 से गांव में शौचालय बनवाने के लिए काम करना शुरू किया था। उस समय वह सिर्फ 11 लोग थे और अब 110 स्वच्छता सिपाही उनके साथ काम कर रहे हैं। प्रशासन भी इनके इस कार्य की खुले दिल से तारीफ कर रहा है। सहारनपुर स्वस्थ सहारनपुर, स्वच्छ सहारनपुर, स्वस्थ सहारनपुर, स्वच्छ सहारनपुर, स्वच्छ सहारनपुर, स्वच्छ आसनवाली, स्वच्छ आसनवाली, स्वच्छ। इसमें स्वच्छता एक आज की तरह भी अब ये एक पूरे देश भर में एक अभियान छिड़ गया है और पूरा देश कृतसंकल्प हो गया कि हम लोग को इस देश को अब स्वच्छ बनाना है। उसी दिशा में अब केवल सरकारी योजनाओं के तहत ही नहीं बल्कि लोग स्वैच्छिक रूप से आगे आ रहे हैं कि अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना शहर स्वच्छ हो। उसी दिशा में बहुत सारे अच्छे पहल हुए हैं, जैसा कि आपको अवगत होगा जनपद शामली में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पर सरकारी सहायता पूरी ना लेकर, जैसे 12,000 की जगह 10,000 ही लेकर उन्होंने पूरे पूरे गाँव को संतृप्त कराया। हमारे सहारनपुर में भी एक ऐसा महिला का संगठन है जिन्होंने 1 पैसे भी सरकारी मदद ना लेकर 1500 शौचालय बनवाए, उसको हम लोगों ने हाल में बुलवा कर उनको सम्मानित भी किया है। तो मैंने कहा स्वच्छता कोई एक सरकारी कार्यक्रम ना होकर एक आंदोलन का रूप ले लिया है और ये अब आंदोलन
पूरी अपनी सक्सेस मीट करने के बाद ही समाप्त होगा और इसमें जो लोगों का सामाजिक संगठनों का विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस का जो सहयोग मिल रहा है वो वास्तव में एक हम लोग के लिए भी उत्साह वर्धन करने वाला है और हम लोग के लिए भी ऊर्जा का संचार करता है कि इस योजना को हम लोग ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।